गीत बजा था कौन सा? अरे तुम जो चले गए तो तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। एक बार भगवान कन्हैया जी लेटे हुए हैं और सत्यभामा जी उनके चरण दबा रही हैं। चरण दबाते दबाते अचानक सत्यभामा जी का हाथ एक कांटे पर पहुंच गया जो भगवान कन्हैया के पैर में लगा था। जैसे ही कांटे पर हाथ गया, सत्यभामा हाथ जोड़ करके बैठ गई, कहने लगी, प्रभु आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आती है। कहा क्या? वो राज हमने जाना, जो बेटे जो आप हो, वो राज हमने जाना, हे नाथ मुरली वाले। कौन के पाए को पिया था राधा और पग में पड़े थे छाले। वो राज तो समझ लिया कि जब राधा जी को गर्म दूध पिला दिया गया था तो दूध तो गर्म पिया था राधा ने, लेकिन छाले पड़े थे आपके पैरों में। लेकिन आज एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? एक एक लाइट को सुनिएगा। शंका समाई दिल में तो इसका करो निवारण, कांटा लगा चरण में, आखिर है कौन कारण। अरे वन वन गऊ में रहे चरावत, दौड़े हारन हारन, अरे कांटा कबू लग्यो ना चरणन, आज कौन है कारण। भगवान, अरे फूलों की सेज पर आपके पैर में कांटा। भगवान कन्हैया ने जब इतना सुना तो कन्हैया जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सत्यभामा जी कहने लगी, प्रभु आप रो रहे हैं, मैंने तो पूछा कि कांटा कहां से आया आपके पैर में, वो आप रोने लगे। आहा सत्यभामा, ये राज सत्य दिल का, मामा ये राज सत्य दिल का, तुम जानो न सत्य भामा। कहा प्रभु मैं नहीं जानती हूं। कहा मैंने तो पूछा कांटा कहां से लगा। कन्हैया जी रो रो कर कहने लगे, सत्यभामा मेरे बचपन के सखा, मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के भाई सुदामा मुझसे मिलने चले आ रहे हैं, जंगल में चले आ रहे हैं, नंगे पांव चले आ रहे हैं, एक कांटा उनके पैर में लग गया है, ये वही कांटा मेरे पांव में है,
इसलिए सतभामा ये राज सत्य दिल का तुम जानो ना सत्य भामा। उस दुख से दुखी कन्हैया जिस दुख से दुखी सुदामा। मेरा भाई जिसके पैर में कांटा लग गया है ये वही कांटा है कोई दूसरा नहीं। अरे उस दुख से दुखी कन्हैया जिस दुख से दुखी सुदामा। अरे उस दुख से दुखी कन्हैया जिस दुख से बोलिए कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ी शांति से आपने इस चक्र को सुना। आइए आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान्य बहन नीलम जी को। जो चले गए तो तुझे दिल में बंद कर लो दरिया में फेंक दो जावे। दुख से दुखी कन्हैया जिस दुख से दुखी सुदामा। लेकिन आइए जवाब सुनेगा ये संदेह सत्यभामा को है। और जब कन्हैया ने निदान कर दिया कि उस दुखी से दुखी कन्हैया जिस दुख से सत्यभामा सुदामा क्षमा करिएगा। आइए जैसे ही भगवान कन्हैया से सत्यभामा क्षमा करिए सुदामा जी मिले और वो अपने पुरी सुदामा पुरी में लौट गए। जब लौट गए जब सुदामा जी लौट गए एक दिन सत्यभामा भगवान कन्हैया के साथ बैठी हैं। कहा नाथ एक समय सुदामा को लेकर मेरे हृदय में शंका आई आपने समाधान कर दिया लेकिन सत्यभामा आज भी कह रही हैं अब प्रभु प्रभु मुझे एक शंका और सता रही है। एक शंका मेरे मन में और है कहने लगी सुनेगा जो तुम्हारे मित्र सुदामा थे वो हैं कैसे कहना जो था गरीब ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण था कि जो था गरीब ब्राह्मण कि मिलता नहीं था खाना
और सुदामा को खजाना मिल गया। चावल खाए जो तुमने मिल गया उसे खजाना, चावल जो खाए तुमने मिल गया उसे खजाना। शंका उठी अंधेरा मेरे मन में, एक शंका उठी है कि शंका उठी अंधेरा जीवन में घना कैसे। समाधान किया, लेकिन मैंने देखा जब सुदामा आपसे मिलकर अपने अपने धाम में गए हैं तो शंका उठी अंधेरा जीवन में घना कैसे। तो कुछ देर में वो निर्धन, कुछ देर में वो निर्धन धनवान बना कैसे। उसके पास तो भोजन भी नहीं था, और क्या, वो कुछ देर में धनवान कैसे बन गया। कन्हैया कहने लगे, क्या कन्हैया कहने लगे, सुने कैसे झुपड़ी उनकी, और हो गई। सुने सुने कैसे झुपड़ी अपने की बन गई महल को सामा। एक समय देखा झोपड़ी थी, जब आज देखा तो महल है। तो एक नैया और वो ब्राह्मण जिसके भोजन भी नहीं है, आज वो महल हो गया। क्या बड़े कैसे झुपड़ी अपने की बन गई वो है सामा। जब मैं उसके दुखी से दुख से दुखी हो सकता हूँ, मेरे पैर में कांटा आ सकता है, तो वो मेरे सुख से भी, वो सुदामा मेरे सुख से जाओ। कि कैसे झुपड़ी अपने की बन गई वो, बन गई महल को शाम, जिस सुख से सुखी कन्हैया। बड़े भैया उधर कह रहे हैं दुखी, तो जवाब सुनेगा। जिस सुख से सुखी कन्हैया, उस सुखी से सुखी सुदामा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं महल में रहूं और मेरा मित्र झोपड़ी में। जिस सुख से सुखी कन्हैया, उस सुख से सुखी सुदामा, उस सुख से सुखी सुदामा, उस सुख से सुखी सुदामा।